अगर आप दरगाह के आसपास की जगह पे, मेरी छोटी बच्ची और ये बाजार और दरगाह के आसपास में आप लोग को सेवन वंडर्स लेके जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग आगे पहली बार देख रहा हूँ, हम लोग करेंगे कहाँ से, ये जो आप लोग देख रहे हैं सामने, ये क्या है जल्दी से बताओ क्या है ये? हम लोग तीन कंट्रीज अभी हम लोग इतनी देर में पहुंच के भी आ गए। इसका जो टिकट का जो टाइमिंग है, कैसा क्या मंदिर है यहाँ का अजमेर के आसपास का, तो कैसा लगा आप लोग को सेवन वंडर्स? ये रहा वृंदावन रेस्टोरेंट। चलो बताओ मुझे भी, पे बहुत सारी गेमिंग एक्टिविटीज है बच्चों की। आपका नाम बताओ पहले। ब्लॉग देख रहे हो कि नहीं आप मेरे? दाल तो क्या मस्त जबरदस्त लग रही, तो मोस्टली वेजिटेरियन खाना ही मिलता। बच्चा पार्टी जो है हमारी छोटी गैंग है। हेलो गाइस, आज हम ईद की। अच्छा पापा का नाम, चैनल का नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा एक अलग ब्लॉग होने वाला है, जहां मैं आप लोग को अजमेर शरीफ के अंदर सेवन वंडर्स है जो मैं आज तक खुद नहीं गया आज तक, तो इंशाल्लाह वहाँ पे मैं आप लोग को सात अजूबे जो है अजमेर शरीफ में कहाँ पर है वो मैं आप लोग को लेके जाऊँगा, दिखाऊँगा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके बाद थोड़ा सा फैमिली के साथ आउटिंग है, डिनर पे जा रहे, और वो कहाँ पे किस जगह पे जा रहे हैं इंशाल्लाह वो पूरा एक छोटा सा एक ब्लॉग आप लोग के लिए मैं बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं, आप लोग को लेके जाते हैं, कैसा क्या मंजर रहेगा आज अजमेर शरीफ का, आज का दिखाते हैं आपको। तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये यहाँ का पार्किंग है, नगर निगम का पार्किंग है, और यहीं पर ही खड़ी करते हैं हम लोग। और क्योंकि अजमेर में जगह बहुत दिक्कत रहती है, जो कंजेस्टेड एरिया रहता है अजमेर दरगाह के आसपास, जैसे हम लोग वहाँ रहते हैं तो वहाँ पर पार्किंग की दिक्कत बहुत रहती है, तो इसलिए ये जो पार्किंग से थोड़ा सा ये रेलवे स्टेशन के पास में है, ये नगर निगम का है, ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप दरगाह के आसपास की जगह पे अगर आप पार्क करेंगे तो वहाँ पे बहुत महंगा पड़ता है। मैं आप लोग को बताता हूँ कितने का यहाँ पड़ता है, कितने का वहाँ पड़ता है दरगाह के आसपास, ताकि आप लोग में से काफ़ी ज़ायरीन है जो आते हैं कार पार्क करते हैं। मैं खुद पर्सनली बहुत लोग को जानता हूँ जो मुंबई से, गुजरात से, बहुत जगहों से आते हैं, गाड़ियाँ पार्क करते हैं, तो ये ऐसी जगह है यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के लिए, बहुत ज़बरदस्त जगह है। मैं आपको एक भाई से भी मिलवा देता हूँ, वो भी आपको थोड़ी सी जानकारी और देंगे। और यहाँ पर स्कूटी खड़ी करके अभी हम लोग निकल रहे हैं अभी यहाँ से कार लेके, ये देख सकते हैं। और ये वहीं भी मेरी छोटी बच्ची, और आज हम मेरे प्यारे भाई और बहनों, तमाम जितने भी हमारे छोटे छोटे बच्चे उन सबके साथ हम जाएंगे, जितने भी हमारे छोटे छोटे बच्चे घर के माशाल्लाह सब बच्चे बच्चियां सब जाएंगे इंशाल्लाह। और ये मुहिबा मेरी छोटी प्यारी सी बड़ी वाली बच्ची है ये। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे ईश्वर भाई यहाँ पे जो गाड़ियाँ यहाँ पे संभालते देखते, ये आप लोग को बताएंगे तो विस्तार से डिटेल में कि कितने में। रेलवे की पार्किंग है, स्टॉप पार्किंग, हाँ, माल गोदाम के पास में यहाँ रेट मिलती है आपको 120 रुपये में 24 घंटे। वो दरगाह के पास में रेट है जो पार्किंग की 400 24 घंटे के, 300 500 ये रेटें मिलती है। अच्छी पार्किंग है, बढ़िया, 120 रुपये मिलेंगे 24 घंटे। हाँ, रेलवे माल गोदाम के पास में स्टॉप पार्किंग, डिग्गी बाजार और दरगाह के आसपास 3000 ये 4000 के पास में, और स्टॉप पार्किंग में 1800 में पार्किंग मिल जाएगी महीने की। ठीक है ईश्वर भाई, ओके, मिलते हैं ना, ओके। बहुत जबरदस्त, बहुत ही अच्छे इंसान है ईश्वर भाई, हमेशा गाड़ी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हमारी गाड़ी का भी। चलो ईश्वर भाई, मिलता हूँ मैं ना, तो चलते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसा क्या मंजर रहेगा आज का इंशाल्लाह आप लोग को बताएंगे। तो अभी बच्चों को पिक करने के लिए आ गए हैं, और जो जो अभी साथ में जाएगा तो अभी जाएंगे साथ में आप लोग को सेवन वंडर्स लेके जाएंगे। और ये अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये डिग्गी बाजार है, और ये जगह जो है लास्ट पॉइंट है। अगर आप लोग को दरगाह जाना है ये साइड से, डिग्गी बाजार से होते हुए अगर आप लोग को दरगाह शरीफ के लिए जाना है, जो यहाँ से रेलवे स्टेशन वैसे 1 किलोमीटर की दूरी पे, जो मेरे पीछे रास्ता जा रहा है वो यहाँ से रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर की दूरी पे, और अगर आप लोग को यहाँ से दरगाह शरीफ के लिए जाना है तो आप लोग को मुश्किल से 5 से 10 मिनट बाई वॉक आपको लगेगा। बट गाड़ी जो है ये लास्ट स्टॉप रहेगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं सामने गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हुई है, इसके आगे गाड़ियाँ जाएगी नहीं, तो ये लास्ट स्टॉप है। और अभी इंशाल्लाह आप लोग को सेवन वंडर्स लेके जाएंगे। टाइमिंग्स का पता नहीं है, गूगल पे 10 बजे से सुबह से शाम के 10 बजे तक बता रहा है, बट मुझे खुद को नहीं पता, कोई बता रहा 7 बजे, कोई बता रहा 8 बजे, तो मेरा खुद का फर्स्ट टाइम है, बच्चों को लेके जा रहा हूँ। अभी कैसा क्या रहेगा वहाँ का माहौल वो आप लोग को बताएंगे, टाइमिंग्स क्या रहेगा, क्या एंट्री चार्जेस है, सब मैं आप लोग को बताऊँगा।
एक थोड़ा सा काइंड ऑफ ट्रैवल व्लॉग है आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे तो मैं ट्रैवल व्लॉगिंग पहले भी आप लोग के लिए काफ़ी कर चुका हूँ, दिल्ली मुंबई यूपी साइड में हम लोग ने काफ़ी व्लॉग्स डाले हुए, बट अभी ये फर्स्ट टाइम है जो ऐसे अजमेर के अजमेर में आप लोग को मैं दिखाने जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे कहाँ पे क्या आप लोग को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा। और ये आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये डिग्गी बाजार है और ये यहाँ पे जो है लास्ट पॉइंट है यहाँ पे। और मैं आप लोग को एक बात और बता दूं, मैंने पार्किंग यहाँ पे घर के आसपास इसलिए कि नहीं करी क्योंकि यहाँ पे जो पार्किंग है यहाँ की बहुत एक्सपेंसिव है, 3-3.5 हज़ार मिनिमम है, मंथली 4 हज़ार तक का भी मांगते हैं। और जहाँ मैंने नगर निगम में पार्क किया था वो गवर्नमेंट पार्किंग है, तो बट ऑब्वियसली नगर निगम का गवर्नमेंट पार्किंग है 1800, आप थोड़ा निगोशिएशन और करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे तो और भी कम करेंगे आप, तो बहुत अच्छी जगह है, ज़्यादा दूर भी नहीं है दरगाह से। तो ये जो मैं आप लोग को बता रहा था कि जो पार्किंग्स है यहाँ पे डिग्गी के आसपास के वो यहाँ पर है, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये न्यू KGN पार्किंग है, और भी यहाँ पे काफ़ी सारे पार्किंग्स आप लोग को देखने को मिलेगा, जैसे ये कृष्णा पार्किंग है यहाँ पे। बट जैसे मैंने आप लोग को बताया कि ये जो पार्किंग्स है काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे, तो और जहाँ पे मैंने आप लोग को पार्किंग दिखाई नगर निगम की वो काफ़ी चीप है और काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है। तो आइए चलते हैं, अभी आप लोग को लेके जाएंगे 7 वंडर्स, कैसा क्या मंजर रहेगा इंशाल्लाह वो अभी आप लोग को बताएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह, ये अजमेर का ये नया ब्रिज है, ज़्यादा टाइम कुछ हुआ नहीं इसको बने हुए। और ये जितने भी बच्चे ना, ये तीन बड़े बच्चे अलीना इकरा मन्नत, तीनों का मैं आज IQ टेस्ट करने वाला हूँ 7 वंडर्स में, 7 अजूबों में। इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि कहाँ कहाँ कब क्या बना था और कहाँ पे कौन सा अजूबा कहाँ है, कौन सी दुनिया में, चलो कम से कम इतना तो पूछ लेंगे, है ना? जवाब दे पाओगे कि कौन सा ब्राज़ील में है, कौन सा इंडिया में है, कौन सा और कहाँ कहाँ पे है, इटली में है, तो वो इंशाल्लाह सब बताएंगे। और ये देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत मंजर माशाल्लाह अजमेर शरीफ का। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग आ गए हैं 7 वंडर्स, जिसे 7 अजूबा कहा जाता है दुनिया के। तो अगर कहीं आप लोगों ने रियल लाइफ में, अगर कहीं आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आप लोग रियल लाइफ में देख सकते हैं। और जैसे मैंने आप लोग को बताया, मैं खुद फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं आज तक कभी मैं खुद आया नहीं हूँ, तो इंशाल्लाह अभी मैं आप लोग को दिखाऊँगा कि कैसा क्या है ये 7 वंडर। यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे अब्बा है, मेरी बेटी है, बड़ी वाली बेटी है, और ये सब बच्चे मलक, मन्नत, अलीना, मदीहा, आहद, इकरा, माशाल्लाह इतने सारे बच्चे हैं माशाल्लाह। और अभी इन लोग का सबका टेस्ट भी होने वाला है अंदर जाके, कौन सा वंडर कहाँ पर है, कौन से दुनिया के कौन से कोने पे है, तो वो इंशाल्लाह इनसे क्वेश्चन आंसर भी होएगा, थोड़ा सा आप लोग के लिए दिखाएंगे। ये आप लोग देख सकते, तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है यार, ये तो मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। वाह यार, ये तो बहुत जबरदस्त लग रहा है यार, ये तो 7 वंडर बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है ये? जबरदस्त लग रहा है ना? और कितने का क्या है ये, मैं आप लोग को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कितने का ये टिकट पड़ा है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोग को टोटल अभी सब बताऊंगा, और कितनी देर के लिए यहाँ खुला रहता है, कब से कब, सब टाइमिंग्स मैं आप लोग को बताऊंगा, ताकि आप लोगों में से बहुत सारे ज़ायरीन हैं जो आते हैं दरगाह शरीफ में, तो आप लोग को ये सब जगहें मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर आना चाहो तो आप लोग आ सकते हो। तो हम लोग है ना, सबसे पहले जो शुरुआत है हम लोग करेंगे कहाँ से? आईफिल टावर। चलो आओ, आप लोगों से मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछूंगा कि आईफिल टावर है किधर, ये बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, है ना बच्चों? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो आ जाओ। वाओ, अरे यार ये तो इतना बड़ा अच्छा खासा बना रखा है यार, ये तो अजमेर में यार, मैं खुद फर्स्ट टाइम। आप लोग में से सब कौन कौन कितनी बार आए हैं यहाँ पे? आ चुके हो आप भी? आ चुके हो माशाल्लाह, सब आ चुके। आप भी आए पापा? नहीं पापा भी नहीं आए, तो मैं और पापा फर्स्ट टाइम, और मेरी बेटिया फर्स्ट। ये सब जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया, आईफिल टावर आ चुके हैं पहले, पहले देख चुके हैं अजमेर में, तो इसको ये जगह को क्या बोलते हैं? 7 वंडर, 7 अजूबे, ठीक है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं सामने, ये क्या है? हाँ, आईफिल टावर। अच्छा, ये आईफिल टावर है किधर?
वेरी गुड। चलो तो मतलब 1 out of 7 हो चुका अभी आप लोग का, 1 out of 7, तो आप लोग को 7 out of 7 लाना है, तो जाके मैं बोलूंगा यार आप लोग स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो आप लोग, और आप लोग बच्चे लोग छोटे छोटे आप लोग को भी पार्टिसिपेट करना है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ब्लॉग अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसको ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि और भी लोगों को पता चले कि अजमेर कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। हुजूर गरीब नवाज की जो बसाई हुई है सिटी है माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत सिटी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी सिटी है। और यहाँ पे अपकमिंग जो सालों में ये स्मार्ट सिटी में भी बदलने वाली है, तो स्मार्ट सिटी में और भी बहुत कुछ चीजें हो जाएगी, तब्दीलियां हो जाएगी, बदलाव आ जाएंगे अजमेर के अंदर। तो इंशाल्लाह आप लोग को मैं बताता रहूंगा, दिखाता रहूंगा, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आप लोग को कैसा ये आईफिल टावर यहाँ का माशाल्लाह, बड़ा ही जबरदस्त लग रहा है। वैसे तो इसको ब्लू कलर किया हुआ आईफिल टावर, तो जहाँ तक मुझे पता है वो ब्लू येलो कलर में ज्यादा रहता है, गोल्डन कलर में। चलो ये अजमेर का ब्लू कलर का आईफिल टावर, और नेक्स्ट अभी चलते हैं, चले नेक्स्ट वंडर पे। चलो चलो, तो ये अभी हम लोग बच्चों से और जानेंगे, वैसे तो मैं जानता हूँ। और ये आप लोगों को मैं एक और चीज दिखाता हूँ, इस सीमा में प्रवेश करना, अंदर जाना मना है, जुर्माना 50 रुपए। ये पता नहीं यार ये क्या लफड़ा है यहाँ का। चलो एनीवेज कोई बात नहीं, जल्दी से बताओ क्या ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, किधर है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? न्यूयॉर्क अमेरिका। चलो ठीक है, ये अभी आप लोगों को मिल चुका है 2 out of 7। तो माशाल्लाह अभी तक इन लोग का मार्क जो है बड़ा ही जबरदस्त चल रहे। और ये मेरी छोटी वाली बड़ी वाली बेटी है मुहिबा, ये दिख नहीं रही वीडियो में, इसलिए उठाना पड़ गया इसको। वेरी गुड, कीप इट अप। मतलब आप स्कूल में कुछ तो पढ़ रहे हो, मतलब आप लोग की पढ़ाई सफल जा रही है माशाल्लाह, वेरी गुड, कीप इट अप। चलो नेक्स्ट वाले वंडर में चलते हैं, और 7 wonders आप लोग को पूरा दिखाएंगे। और इंशाल्लाह इस 7 wonders के पास में एक गार्डन है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी हम लोग जाके, आज हमारा डिनर भी होने वाला। क्या है पिरामिड? मालूम है ये तो, इजी है ना, आ जाओ। चलो ये तो पहले ही बता दिया, बट फिर भी दिखा देते जाके। चलो आ जाओ, ये आप लोग को दिखा देते हैं पिरामिड को। तो चलो ये तो इजी था, तीनों बच्चों ने माशाल्लाह, मैं ज़्यादातर इनसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि माशाल्लाह ये बड़े हैं थोड़े बच्चे माशाल्लाह, और ज़्यादा अभी हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री में आता है, किस में आता है, हिस्ट्री में आता है ना? हाँ चलो अच्छा है, बता दिया, मुझे नहीं पता था, मजाक कर रहा हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये पिरामिड है, और अभी तक हम लोगों ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आईफिल टावर और इजिप्ट, हम लोग 3 countries अभी हम लोग इतनी देर में पहुँच के भी आ गए है ना। तो यहाँ तक तो जा सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है वही, ये बस एक रीजन बता दो, अलाउ क्यों नहीं है इसके अंदर जाना? अच्छा घास की वजह से, अच्छा अच्छा वैसे तो अलाउड है ना अंदर जाने के लिए, खुला रहता तो पहले खुले थे। अच्छा अच्छा हाँ वही मैं सोच रहा हूँ। ओके चाचा थैंक यू, शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया। वही मैं खुद सोच रहा था कि ये यहाँ पे ये बंद क्यों हो रखा है, तो हर एक वंडर का यहाँ पे उन्होंने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। वैसे दूर है, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा होगा तो आप लोग देख सकते हैं, मिस्र का विशाल पिरामिड, और ये कब कब बना था, कब नहीं बना था। और जैसे मैं आप लोग को बता रहा था मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एंट्री फीस जो है इसका 10 रुपये है, और बड़ों का बच्चों का टोटली फ्री है। और टाइमिंग्स मैं आप लोग को बता दूं, आज कंफर्म मुझे पता चल गया, ये सुबह 10 बजे से शाम के 10 बजे तक खुला रहता है, और अंदर खाना पीना अलाउड, खाना पीना लेके तो नहीं आए आप लोग? नेक्स्ट हम लोग किसी छोटे बच्चे से पूछेंगे, आप लोगों से नहीं पूछेंगे इसके बारे में, ये तो बहुत ईजी है, आप लोग मत बताना, ये कोई छोटा बच्चा है ना उससे पूछेंगे। आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अभी कहाँ पर आए हैं, अभी बच्चों से पूछेंगे। हाँ बच्चों, आहद और मिद्दू बताओ, मदिया ये क्या है ये? वेरी गुड, तेज बोलो यार, वेरी गुड, शाबाश। तो ये जवाब इन्होंने दे दिया, और ये हो गया 1 2 3 4 इंडिया में, हाँ मतलब इंडिया आगरा में, सही बात। तो ये इंडिया आगरा में है, और अभी आप लोगों को मिल गया 4 out of 7। ये भी एक अच्छा एक इन्फॉर्मेशन, शाहजहान बादशाह ने बनाया था मुमताज की, और शाहजहान बादशाह का और क्या चीज है अजमेर में बनाया हुआ? वेरी गुड, शाहजहानी मस्जिद अजमेर दरगाह के अंदर, वो भी शाहजहान बादशाह की बनाई हुई है, जिसने ताजमहल को तामीर किया था। और नेक्स्ट वंडर पे चलते हैं, चलो नेक्स्ट वंडर पे चलते हैं। चलो
और यहाँ पे मेरे प्यारे भाई और बहनों फूड कोर्ट भी है, आई लव वंडर फूड कोर्ट। बट अभी हम लोग क्योंकि फैमिली के साथ आज ईद का जो है उसके मौके पे हम लोग आज गेट टुगेदर कर रहे हैं, हमारे जो फैमिली है पूरी अभी आने वाले हैं। यहाँ पे एक पास में एक वृंदावन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे खाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग को भी उसका भी किसी के अंदर ब्लॉग बना के आप लोग को दिखाएंगे। और ये जो सेवन वंडर्स है, सात अजूबा जो है, ये सिर्फ एक घंटे के लिए रहता है। इसका जो टिकट का जो टाइमिंग है एक घंटे के लिए रहता है। तो नेक्स्ट वंडर जो है ये वाला कौन सा है वो बच्चों से ही पूछेंगे और आप लोग को बताएंगे। थोड़ा सा बस ब्लॉग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहा हूँ आप लोग के लिए, ताकि और बच्चों को थोड़ा और इंटरेस्ट लाऊं ऐसी जगहों पे, हिस्टोरिकल जगहें जो है वर्ल्ड की। तभी तो ये सात अजूबों में गिने जाते हैं, इनमें कुछ तो खासियत होगी, कुछ तो होगा। हाँ वेरी गुड, कहाँ पढ़ा आपने? हाँ हाँ ब्राज़ील। ब्राज़ील में किधर है, चलो ये बता दो। ब्राज़ील में कहाँ है? मन्नत भी पढ़ के आ गई, यहाँ पे मैंने देख लिया। चीटिंग, ये मार्क कट हो गया, देख लो मैं दिखा देता हूँ। हाँ देखा, क्राइस्ट द रिडीमर। और ये ब्राज़ील में भी आपने बता दिया, चलो ये मार्क आप लोग का कट हो चुका है। कैसे? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया। पढ़ लिया नहीं, ये मार्क गया। अच्छा चलो मैं आप लोग को मार्क दे देता हूँ, अगर आप मुझे बताओ ये ब्राज़ील में कौन सी सिटी में है ये, चलो वो बता दो। हाँ मत देखो, लिखा हुआ है नहीं दे पाओगे। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील का, वो वहाँ पर है। तो ये थोड़ी बहुत हमने भी हिस्ट्री पढ़ी है, वैसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं था बट ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे इस वंडर जो है सात अजूबों में से एक अजूबा। आओ बच्चों चलो, बिना पढ़े फटाफट बताओ पढ़ने का क्या, ब्राज़ील तो पढ़ने का है नहीं। चलो ये थोड़ा सा हार्ड है मैं जानता हूँ, चलो मैं इसका नाम बता देता हूँ, द कल्यूजियम बोलते हैं। इटली, सही है, इटली रोम के अंदर है ये, ठीक है। कहाँ पर? इटली रोम। ये ना सात अजूबे सेवन वंडर्स, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि ये दुनिया में कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। और बच्चों का हाथ पकड़ के रखो। एक और चीज़ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग जब ऐसे पार्क में जाओ तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनका हाथ पकड़ के रखना है, कभी मत छोड़ना। चलो आ जाओ। और जैसे मैंने आप लोग को बताया कि मैं सेफ्टी कंसर्न जो है, सेफ्टी से रिलेटेड कुछ भी रहेगा वो भी मैं आप लोग को बताता रहूँगा, बच्चों से रिलेटेड और हर चीज़ से रिलेटेड। जैसे जब मैं आप लोग को बताता रहता हूँ कि इस जगह पे ये मोबाइल स्नैचिंग होती है, जैसे हम लोग जामा मस्जिद में थे पिछली बार जब मैं दिल्ली गया था, तो उस टाइम पे वहाँ पे जो है जामा मस्जिद के अंदर वहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग बहुत होती है, तो वो भी आप लोग को मैंने बताया। हाँ झूलता मीनार, ये कुतुब मीनार दिख रहा मुझे तो। हाँ बताओ, सोच लो। अरे उसमें देखते ना वो बोर्ड का ही होगा, इसकी मैंने एक चीज, ये रहा बोर्ड। पीसा। अरे हाँ झुकी मीनार, क्या बात है यार, मेरे को नहीं पता था इसको झुकी मीनार बोलते हैं। पीसा शहर इटली, ये मतलब आप लोगों ने पढ़ लिया था? सच सच बताना, आप लोग कैमरा पे हो झूठ मत बोलना। ये बहुत भारी हो गए थे, इसलिए जो इसकी जमीन थी ना हाँ। वैसे थोड़ी टेढ़ी हो गई, अच्छा इसलिए झुक गई, इसलिए इसको झुकी मीनार बोलते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये झुकी मीनार। तो ये आप लोग को, इधर आओ, आप लोग को कितना मार्क्स मिलेगा इस पे? अलीना ने बोल दिया था 6 out of 5।
प्यारे भाई और बहनों, अभी हम लोग चलते हैं। आप लोग को मैंने दिखा दिया सात अजूबों का ये छोटा सा एक ब्लॉग, और अभी डिनर पे जाएंगे अभी खाना खाने के लिए। वो भी अच्छी जगह है, वो भी आप लोग को दिखाएंगे, एक्सप्लोर कराएंगे, और जहाँ जहाँ पे जो जो होगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगा। अजमेर के अंदर और भी काफ़ी सारी जगह हैं घूमने फिरने के लिए और खाने पीने के लिए, और जब जब जाएंगे बाहर इंशाल्लाह आप लोग को दिखाते रहेंगे कि कैसा क्या मंज़र है अजमेर का। अजमेर दरगाह का तो आपको मैं दिखाता ही रहता हूँ, माशाल्लाह दरगाह शरीफ का पूरा मुसलसल कंटिन्यूस मैं आप लोग को दिखाता ही रहता हूँ। और अभी कैसा क्या मंज़र है यहाँ का अजमेर के आसपास का। ये जो जगह है ये वैशाली नगर से थोड़ा आगे आएगा, वैसे आप लोग गूगल पे डाल भी दोगे तो आ ही जाएगा, रास्ता आपको बता देगा कि आप लोग को कैसे पहुँचना है यहाँ पर। और ई रिक्शा से अगर आप लोग आते हो, क्योंकि ज़्यादातर दरगाह के आसपास जो है ई रिक्शा ज़्यादा चलते, तो ई रिक्शा में क्या चार्जेस है वो ज़्यादा नहीं रहते, मेरे हिसाब से 20 रुपये से ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए पर सवारी, क्योंकि हम लोग तो अपनी कार में आए हैं यहाँ पे। और अभी यहीं से थोड़ा सा आगे इधर पे ही है एक रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट पे आप लोग को अभी लेके जाते हैं और डिनर करेंगे साथ में। तो कैसा लगा आप लोग को 7 वंडर्स? ठीक है, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी हम लोग जगहें जाएंगे जहाँ जहाँ पे क्या है, इंशाल्लाह ब्लॉग में आप लोग सबको दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। और बहुत अच्छा आप लोग माशाल्लाह पढ़ाई कर रहे हो, और ऐसे ही अच्छा पढ़ाई करते रहो आप लोग सब। थैंक यू। सब जितने भी बच्चे हैं माशाल्लाह अच्छा से अच्छा करो आप लोग लाइफ में, मैं हमेशा आप लोग के लिए सबके लिए दुआ करूँ। और जो बच्चे हिस्ट्री में वीक हैं उनको इससे नॉलेज मिल सकती है। यस एब्सोल्युटली, आप लोग का तो माशाल्लाह हिस्ट्री बहुत अच्छी है तीनों की, और 7 वंडर्स मतलब दुनिया के अलग अलग अजूबे जो है दुनिया के आप लोगों ने बताया, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। और ये छोटी वाली गाड़ी चलाना चाह रही है, मुहिबा इधर देख, चलो गाड़ी चलाओ। तो आइए आप लोग को लेके चलते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये रहा वृंदावन रेस्टोरेंट। जैसे मैं आप लोग को बता रहा था कि यहाँ पे रेस्टोरेंट बड़ा सा एक गार्डन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और कैसा क्या रहेगा यहाँ का वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ओ मुहिबी चलो बताओ, मुहिबी ये मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अल्लू ने अलीना माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं सब यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी सारी माशाल्लाह यहाँ पे गेमिंग एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए। यहाँ पे बहुत सारी गेमिंग एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए, और इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर आप लोग को है ना यहाँ पे लोग यहाँ पे आते हुए इसलिए दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बच्चों के खेलने कूदने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाती है। और ये ये टॉपर हम लोग के 3 टॉपर 6.5 out of 7 हिस्ट्री के टॉपर से ये। वही भी इधर आओ, इधर सुन, इधर आपका नाम बताओ पहले। और अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसा क्या गार्डन है यहाँ का। इंशाल्लाह खाना भी यहाँ पे जो है वृंदावन रेस्टोरेंट है, ज़्यादातर वेजिटेरियन खाना मिलता है, बट बहुत ही लजीजदार बहुत टेस्टी खाना मिलता है। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये गार्डन आप लोग देख सकते हैं, ये बड़ा ही ज़बरदस्त गार्डन है ये अजमेर का। और ये गार्डन 7 वंडर्स से बहुत पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 100 मीटर या 150 मीटर के अंदर। तो वही रोड के ऊपर ही 7 वंडर जो है 7 अजूबे का, जो जहाँ पे अभी मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ब्लॉग में दिखाया था। और चलते अभी दिखाते हैं आपको क्या है क्या नहीं है यहाँ का। और ये हमारे असद भाई, असद मियाँ इधर तो ब्लॉग देख रहे हो कि नहीं आप मेरे? हाँ कैसा है? बढ़िया है, मज़ा आता है। तो आज आप भी ब्लॉग में आ जाओगे? चलो बाय। अभी सब बच्चे जो है मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत सारे बच्चे हैं माशाल्लाह घर के अंदर माशाल्लाह। और यहाँ पे तो यार स्विमिंग पूल भी है माशाल्लाह ज़बरदस्त, पता नहीं ये बच्चों के लिए कि कैसा क्या है पता नहीं। वही भी स्विमिंग पूल, बच्चों को बड़ा मज़ा आता है स्विमिंग पूल वाले एरियाज़ के अंदर। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बड़ा ये गार्डन है, ये बहुत ही बड़ा गार्डन है यहाँ का। ये कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ हवा आसमानों को छू रहे हो यार आज तो तुम लोग। ये रहा मलाई कोफ्ता, ये रहा मलाई कोफ्ता, ये रहा।
हाँ यार दाल तो क्या मस्त जबरदस्त लग रही है, तो दाल तड़का। ओहो हाँ डाल दो भाई, पापड़ रोस्टेड रख दो। और ये पनीर का, और ये मलाई कोफ्ता है माशाल्लाह। तो ये आज हमारा थोड़ा सा एक छोटा सा एक फैमिली गेट टुगेदर है, बहुत सारी बहनें हैं, खवातीन हजरात हैं, साथ में बैठी है लेडीज है, इसलिए मैं उस तरफ नहीं दिखा पाऊंगा आप लोग को, बट ये तरफ जेंट्स हम लोग बैठे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं माशाल्लाह। ये वृंदावन रेस्टोरेंट है। और एक और चीज़ आप लोग को बता दूँ, अजमेर के अंदर मोस्टली आप लोग को दरगाह के आसपास के अलावा अगर आप लोग दूर जाओगे तो मोस्टली वेजिटेरियन खाना ही मिलता, नॉन वेज खाना नहीं मिलेगा। और खाना, बट एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, खाना बहुत टेस्टी है। और ये दूसरी बार है जब मैं आप लोग को फूड व्लॉगिंग कर रहा हूँ, फूड के ज़रिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि कैसा क्या खाना है, कैसे क्या नेमत है अल्लाह की, वो दिखा रहा हूँ आप लोग को। लास्ट टाइम जब मैंने फूड व्लॉग बनाया था जामा मस्जिद के अंदर बनाया था, आप लोग को पता ही है रमज़ान के दिनों में माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त वीडियो चला था, वो भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मेरा छोटा भाई डॉक्टर अब्दुल्ला है माशाल्लाह, दांत का डॉक्टर है माशाल्लाह। और अभी तक कभी ये वीडियो में अभी तक नहीं आया, जैसे सरवाड़ के अंदर मैंने मम्मी पापा को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था व्लॉग में, तो ऐसे ही आज मैं मेरे भाई को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ व्लॉग के अंदर। और ये आज कुछ बोलेंगे, आज सारी नज़रें इनके ऊपर है माशाल्लाह। बताइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब थोड़ा सा कैमरा शाही है, कैमरा फ्रेंडली नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने आप लोग को बताया माशाल्लाह, आज हमारी पूरी की पूरी बच्चा पार्टी जो है, हमारी छोटी गैंग है, छोटी गैंग आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह, पूरी की पूरी यहाँ लाइन जो है ना माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बच से बचाए, ख़त्म ही नहीं होगी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे असद भाई से। असद भाई, हेलो गाइस, आज हम ईद की पार्टी करने आए, पहले है ना अजीम मामा ने दी थी, अब अब्दुल्ला मामा ने। हम घूमने आए ईद की पार्टी में वृंदावन, आज बहुत मजा आ रहा। आज हम लोग सेवन वंडर्स गए थे, उसके बाद हम वृंदावन आए घूमने, और हमें यहाँ बहुत मजा आया, हमने बहुत झूले झूले और हमने खाना खाया। हम लोगों ने यहाँ बहुत मजे करे, हम लोगों ने यहाँ खेला कूदा, और हम लोगों ने यहाँ बहुत सारे झूले झूले, हमने सेवन वंडर्स में भी IQ टेस्ट करा और बहुत मजे आए। यहाँ पे बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है, तो यहाँ पे सब आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं बच्चों के लिए, तो आप यहाँ पे जरूर आइएगा। और यहाँ पे बहुत झूले, यहाँ पे बहुत झूले और बच्चों के लिए भी अच्छा है, यहाँ बड़ों के लिए भी झूले हैं, छोटों के लिए भी झूले हैं, प्लीज आप यहाँ जरूर आए। और कैसा लगा आपको, अच्छा लगा? अच्छा लगा। कैसा लगा आप लोग को आज? हमारे चाचू बहुत मजा कराते हैं। कैसा लगा? आहा, बहुत अच्छा लगा। मजा आया। कितना मजा आया? बहुत सारा। हाँ बहुत मजा आया माशाल्लाह। ये आहद, ये मुहिबा, ये बतूल, हमने बहुत मजे करे माशाल्लाह। बेल आइकन भी दबा देना, बेल आइकन भी दबा देना गाइस, बेल आइकन। अच्छा बोल दो पापा का चैनल, लाइक कमेंट शेयर कर दो। अच्छा पापा का नाम, चैनल का नाम क्या है? अच्छा आपको पापा का चैनल पसंद है? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये व्लॉग आज का अच्छा लगा। एक छोटा सा एक व्लॉग मैं बताना चाह रहा था आप लोग को कि कैसे अजमेर के अंदर अलग अलग जगहों पे क्या क्या है देखने के लिए क्या है, और आज मैंने आप लोग को इसी व्लॉग के अंदर मैंने आप लोग को सेवन वंडर, सात अजूबे दिखाए। थोड़ा सा बच्चों के साथ थोड़ी सी एक आउटिंग भी हो गई थी, और ईद के मौके पर तो निकल नहीं पाए थे, क्योंकि ईद का जो टाइमिंग होता है वो 3 दिन तक होता है, आज 4th दिन था ईद का, तो इसलिए आज फैमिली के साथ हम लोग सब निकले बाहर। तो मैं वही आप लोग को दिखाना चाह रहा था कि कैसा क्या मंजर है अजमेर का, अजमेर के आसपास का। इंशाल्लाह मैं आप सबसे, मेरे ऐसे ही व्लॉग्स के साथ मैं आप सबसे इंशाल्लाह मैं मिलता रहूँगा। और अगर आप लोगों ने मेरा जो पिछला व्लॉग है वो अभी तक नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा,
वहाँ पे क्लिक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबसे इंशाल्लाह मेरे अगले व्लॉग में बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक अस्सलाम वालेकुम, फी अमानिल्लाह।